नमस्कार, मैं रुपेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल खबर फॉर यू पे। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार के एक बहुत ही चर्चित सीट सिवान, जहां से दो दशकों से ज्यादा एक माफिया, एक बोले तो बाहुबली का राज था, वो है शहाबुद्दीन। और शहाबुद्दीन के बारे में और सिवान लोकसभा क्षेत्र के बारे में बताएंगे हमारे राजेश प्रियम जी। जी राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, कृपया बताएं सिवान में क्या चल रहा है। बहुत बहुत आभार रूपेश जी। और सिवान लोकसभा क्षेत्र का नाम आते ही सबसे पहले शहाबुद्दीन का नाम आता है। दूसरा कोई नाम अगर आता है तो तिहरे हत्याकांड याद आ जाता है, जब लोगों पर तेजाब डाल के जला दिया गया था। इसके बाद अगर कुछ याद आता है तो जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष चंद्रशेखर की याद आती है, जिनको दिन दहाड़े जेपी चौक पर सिवान में गोली से भून दिया गया था। इन सारी घटनाओं का पृष्ठभूमि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक समय ऐसा भी था वर्ष 1999 में, जब शहाबुद्दीन के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए विपक्षी पार्टियों को कैंडिडेट तक नहीं मिल रहा था। और एक स्थिति ऐसी भी है कि उनकी पत्नी को आज आरजेडी टिकट देने को तैयार नहीं हुई। बात करते हैं 1989 की, जब जनार्दन तिवारी बीजेपी के तरफ से पहली बार यहाँ से चुनाव जीते थे। जनार्दन तिवारी 1989 में जीते, उसके बाद 96 तक वो चुनाव लगातार लड़ते रहे, लेकिन 1996 के चुनाव में शहाबुद्दीन से उनकी मुलाकात हो गई। उस चुनाव में वो हार गए। इसके बाद उन्होंने एक तरह से राजनीतिक संन्यास ले लिया। 1998 की चुनाव हो या 1999 का चुनाव हो, शहाबुद्दीन के खिलाफ कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था। 1998 में बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा था तो उन्होंने विजय शंकर दुबे को, महाराजगंज के विधायक थे, पूर्व विधायक महाराजगंज क्षेत्र के, उनको लाकर यहाँ पर चुनाव लड़ाया था। पूरी तरीके से हार गए थे, उनका भी वो आखिरी चुनाव था, एक ही बार वो लड़े और छोड़ दिए। 99 में शहाबुद्दीन के खिलाफ लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, उसमें भाजपा और जदयू का गठबंधन हो गया था, ये सीट जदयू के खाते में चली गई थी। 99 में जदयू ने यहाँ से चुनाव लड़ना आरंभ किया, अखलाक अहमद को टिकट दिया था, पूर्व विधायक थे विक्रमगंज के, उनको उन्होंने टिकट दिया था। बहुत बुरी तरीके से हारे थे अखलाक अहमद, उस समय 99 में दूसरे नंबर पर माले के प्रत्याशी रहे थे। इनको तो मात्र 53,000-54,000 वोट मिला था, जबकि शहाबुद्दीन को 3.5 लाख के आसपास वोट मिला था। 99 के बाद 2004 के चुनाव में एक अलग घटना हुई। उसमें जिला परिषद के चुनाव को लेकर कुछ मामला ऐसा बना कि ओम प्रकाश यादव एक नेता हुआ करते थे, उनको शहाबुद्दीन ने थप्पड़ मार दिया था। उस थप्पड़ जो अपमान हुआ, उस अपमान का बदला ओम प्रकाश यादव ने लिया था। कैसे लिया था वो आगे मैं बतलाऊंगा, लेकिन 2004 का चुनाव शहाबुद्दीन के लिए आखिरी चुनाव हुआ था। 2004 के चुनाव में ओम प्रकाश यादव निर्दलीय कूद गए थे इनके खिलाफ, क्योंकि वही अपमान था, लेकिन हार गए थे। लेकिन 2005 में नीतीश कुमार की बिहार में सरकार बनी और शहाबुद्दीन पर से जो राजद का छत्र छाया था सरकार के तरफ से एक बड़ा सा, वो छत्र छाया हट गया और शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इन्होंने जो है आसियाना बनाया सदर अस्पताल सिवान को, वहीं दरबार लगने लगा। लेकिन धीरे धीरे इन पर शिकंजा सरकार का कसता चला गया और सजा जब हुई तो स्थिति यह बनी कि इनको चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया गया। 2009 में ये चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रहे, लेकिन पत्नी को राजद ने टिकट दिया, बुरी तरीके से हार गई। उस समय जदयू ने ओम प्रकाश यादव को टिकट नहीं दिया था तो वो निर्दलीय कूद गए थे मैदान में, लेकिन जीतने में सफल हो गए 2009 में। उसके बाद वो भाजपा में शामिल हो गए ओम प्रकाश यादव। 2014 में भाजपा ने भरोसा किया, टिकट दे दिया, फिर से जीत गए। तो दोबारा फिर से उनका सामना हुआ था हिना साहब, जो शहाबुद्दीन की पत्नी थी। तो 2009 में लड़ी, हार गई राजद से, 2014 में लड़ी, हार गई। जदयू ने 2019 में कविता सिंह दरौंदा के विधायक अजय सिंह की पत्नी को टिकट दिया। अजय सिंह की पत्नी थी, बाहुबली है अजय सिंह, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे। इनकी भी शादी खरमास में हुई थी। हाँ, खरमास में नहीं, पितृपक्ष में,
पिंडदान के पितृपक्ष समय, में। हाँ, जी पितृपक्ष में शादी करके चुनाव लड़ाने के लिए ही शादी हुआ था। तो यहाँ पर रुपेश जी रोचक तथ्य यह हुआ कि कविता देवी 2019 में जीती। ये जान लीजिए कि 2019 में 20 साल से लड़ रही जदयू को पहली बार यहाँ सफलता मिली। जी बीजेपी एक बार सफल हुई, मतलब 1999 के बाद, हालांकि दो बार, एक बार वो जनार्दन तिवारी भी जीते थे, लेकिन 20 साल चुनाव लड़ने के बाद पहली बार जदयू यहाँ से सफल हुई, कविता देवी। जदयू ने एक और कारनामा किया कि कभी भी अपने प्रत्याशी को रिपीट नहीं किया इस क्षेत्र में, सिर्फ एक कैंडिडेट एक बार भरोसा किया है। तो इस बार भी उन्होंने टिकट बदल दिया है। इस बार रमेश सिंह कुशवाहा, पूर्व विधायक है, सीपीआई के, जदयू में शामिल हुए, उनकी पत्नी विजय पत्नी को लक्ष्मी को टिका। टिकट दे दिया है। तो इस बार की अब बात करते हैं, इस बार का जो मामला है वो त्रिकोणीय मुकाबला देखने में लग रहा है, क्योंकि राजद ने टिकट दिया है अवध बिहारी चौधरी, जो सिवान सदर के दमदार विधायक है, नेता विधानसभा है के अध्यक्ष रहे, जी। उन पर भरोसा किया है। और जदयू ने विजय लक्ष्मी, जो कि रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है, उन पर भरोसा किया है। वही निर्दलीय हेना साहब इस बार लड़ रही है, क्योंकि राजद ने भरोसा नहीं किया। जी अब बिल्कुल। देखने में तो ये त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है, लेकिन हकीकत है कि सीधी फाइट है निर्दलीय हेना साहब और विजय लक्ष्मी के बीच। सीधी सीधी यहाँ लड़ाई दिख रही है। लड़ाई में बहुत मजबूत स्थिति में अवध बिहारी चौधरी नहीं है। नहीं अब है रही बात कि जहां जदयू कैंडिडेट को भरोसा है नरेंद्र मोदी के चेहरे पे, नीतीश कुमार के चेहरे पे, और यहाँ के जातीय ताना बाना पे, वहीं हेना साहब भी, आज ही की अपडेट है, आज की ही बात मैं बता रहा हूँ कि जो उन्होंने रैलियां शुरू की हैं, बैठ के शुरू की हैं, उसमें भगवा रंग बहुत जोर शोर से दिखाई देने लगा है। दिखाए। तो अपर कास्ट को साधने के लिए उन्होंने भगवा रंग भी धारण किया है, और हेना साहब खुल के कह रही हैं कि हम सब रंग में हैं, हमारे लाल पीला हरा नीला सारे रंग समान सब हैं, और हमारे मंडली में सारे रंग दिख रहे हैं। लेकिन लड़ाई हेना साहब के प्रति सहानुभूति है, क्योंकि राजद ने जो है एक श्रद्धांजलि तक नहीं दिया था, जब कोविड से 2021 में शहाबुद्दीन की तिहाड़ जेल में मौत हो गई थी, तो राजद के तरफ से बहुत अच्छा जो है संदेश नहीं आया था उनको लेकर, जबकि राजद के संस्थापक सदस्य रहे थे शहाबुद्दीन। बैकग्राउंड जो भी रहा, जिंदगी भर कहा जाता है कि राजद ने उनके माध्यम से मलाई खाई, लेकिन अंत दिन में उनका साथ नहीं दिया। तो कुछ नहीं जी सहानुभूति वोट है हेना साहब के साथ। दूसरी बात है कि जो जदयू के कैंडिडेट हैं, जदयू के कैंडिडेट के साथ नरेंद्र मोदी का जो किया हुआ काम है, सरकारी योजनाएं हैं, नीतीश सरकार की जो बातें हैं, वो सारा लेके चल रहे हैं। इस क्षेत्र में प्रभावी रूप से राजपूत, यादव और मुस्लिम वोटर हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि हिना साहब और जो विजय लक्ष्मी है, दो महिलाओं की मजबूती से यहाँ लड़ाई हो रही है। त्रिकोणीय मुकाबला कहने मात्र के लिए है, सीधी सीधी टक्कर में कौन जीतता है, कौन किस पर भारी पड़ता है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। जी रुपेश जी। जी राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सटीक जानकारी देने के लिए।